ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय है कि ब्रह्मचर्य पालन करने से कितने दिन में लाभ मिलता है। जब हम ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, धातु को शरीर में रखते हैं, तो उससे क्या लाभ मिलता है? और जब धातु को शरीर से बाहर निकालते हैं, तो उससे क्या लाभ मिलता है? अब आपके मन में आएगा, क्या धातु को अपने स्पर्म को बाहर निकलने पर भी लाभ मिलता है क्या? हाँ, वो सारी चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे। और ये बातें मेरी अपनी नहीं होंगी, मैं ऋषियों के प्रमाण के साथ बात रखूंगा, वेद के प्रमाण के साथ बात रखूंगा आपके मध्य में। क्योंकि बहुतों को वो है ना कि 15 दिन 15 दिन ब्रह्मचर्य कर लेंगे, ये हो जाएगा, 10 दिन में ये हो जाएगा। वास्तविकता में ब्रह्मचर्य का लाभ कितने दिन में मिलता है, इनको कोई ठीक से जानता ही नहीं है। तो आइए, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी सूचना मैं ये दे देता हूँ। जो दिनचर्या वाला चलाते थे हम, पहले गुरुकुल कुंभाखेड़ा में चला तो वहां से वो बंद हो गया, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में चरथावल में चला तो अब वहां से भी वो दिनचर्या वाला बंद हो गया है। क्योंकि मेरे पास जो मैसेज आते हैं, मैं वहां जाना चाहता हूँ जी चरथावल में, तो अब वो बंद है, वहां दिनचर्या का वह नहीं है। आगे कहाँ होगा, कैसे करें, वो अगली वीडियो में आपके सामने हम रख देंगे। आइए वीडियो पर आते हैं। ब्रह्मचर्य के बारे में देखो, ब्रह्मचर्य का लाभ कितने दिन में मिलेगा इस पर मैं आपको बताऊं। तो ब्रह्मचर्य को वेद में तपस्या कहा है। ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाघ्नत है, कि जो तपस्या करते हैं, जो ब्रह्मचर्य रूपी तप करते हैं, वो देवता हैं, और वो देवता मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि इसको एक तपस्या बताया गया है ब्रह्मचर्य को। और आप सोचो कि कोई तपस्या का 10 दिन में लाभ मिल जाए, 15 दिन में लाभ मिल जाए, महीने में लाभ मिल जाए, ऐसा नहीं होता। जिसको कहा ही तप गया हो, तो इसलिए आपको जो जब बात ब्रह्मचर्य की आई, तो कम से कम हमारे ऋषियों ने 16 वर्ष तो कन्या के लिए रखा और 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन लड़कों के लिए रखा। 16 वर्ष कन्या और 25 वर्ष का लड़का, उसके बाद उनको विवाह की अनुमति दी है। यानी कि इतना लंबा तप ब्रह्मचर्य के लिए करने को कहा है, उसके बाद क्या होगा? अब मैं इसके में ऋषियों का प्रमाण देता हूं कि जो 16 वर्ष कन्या और 25 वर्ष तक लड़का ब्रह्मचर्य पालन करेगा तो उससे क्या होगा? कहा कि जो अपने कुल की उत्तमता, यानी कि कुल उत्तम हो जाएगा, उत्तम संतान, उनकी संतान उत्तम होगी, दीर्घायु, आयु लंबी, सुशील, बुद्धि का बल, पराक्रम युक्त, विद्वान और श्रीमान करना चाहें। ये माता पिता को बात कह रखी है कि जो अपने कुल की उत्तमता, उत्तम संतान, दीर्घायु, सुशील, बुद्धि बल, पराक्रम युक्त, विद्वान और श्रीमान करना चाहें, वे 16वें वर्ष से पूर्व कन्या और 25वें वर्ष से पूर्व पुत्र का विवाह कभी न करें। यानी कि इतनी आयु ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद उसको ये चीजें प्राप्त होंगी। आगे क्या लिखते हैं ऋषि? कहते हैं यही सब सुधार का सुधार, सब सुधारों का सुधार यही है, सब सौभाग्यों का सौभाग्य और सब उन्नतियों की उन्नति करने वाला कर्म है। सब सौभाग्यों का सौभाग्य, सब सुधारों का सुधार, सब उन्नतियों की उन्नति करने वाला कर्म बताया है कि इस अवस्था में ब्रह्मचर्य रख के, 16 वर्ष तक कन्या और 25 वर्ष तक लड़का, इस अवस्था में ब्रह्मचर्य रख के अपने संतानों को विद्या और सुशिक्षा ग्रहण करावें। माता पिता अपने बच्चों को विद्या और सुशिक्षा ग्रहण करावें कि जिससे उत्तम संतान होवें, कि उनकी जो संतान है वो बहुत उत्तम बनेगी। फिर तो वे बात आई यहां पर क्या आई, 16 वर्ष तक ब्रह्मचर्य जब लड़की करेगी और 25 साल तक जब लड़का ब्रह्मचर्य पालन करेगा, तब उनके अंदर ये चीज आ जाएंगी। इससे इससे क्या लाभ मिलेगा इतने साल तक, ये तो बताइए। आपको कुल की उत्तमता, उत्तम संतान, ये तो बताई, और भी बताई। और क्या बताई ऋषि ने, और बताई है कि वीर्य की रक्षा में आनंद और नाश करने में दुख प्राप्ति भी जना देनी चाहिए। यानी कि यदि ब्रह्मचर्य पालन करेगा तो विशेष उसको सुख की प्राप्ति होगी। कहा आनंद, वीर्य की रक्षा में आनंद और नाश करने में दुख प्राप्ति भी जना देनी चाहिए। जैसे देखो, जिसके शरीर में सुरक्षित वीर्य रहता है तब उसको आरोग्य, रोग पास में नहीं आता, बुद्धि बल पराक्रम
बढ़ के बहुत सुख की प्राप्ति होती, बहुत शब्द लिख रहा क्या है, बहुत सुख की प्राप्ति होती है, यानी कि इतना उसको चीजें मिलेंगी ब्रह्मचर्य पालन से। इतना ही नहीं, फिर हमारे महर्षि जी आए, उन्होंने क्या लिखा, महर्षि जी ने कहा कि आपकी मृत्यु रोग और बुढ़ापे से बचाने वाली कोई औषधि है तो ब्रह्मचर्य है, आपको शांति कांति स्मृति देने वाली है तो ब्रह्मचर्य है। तो जब आप शरीर में धातु रखेंगे तो इससे आपको इतनी चीजें प्राप्त हो जाएंगी। अब बात आई जी, हम तो 16 के नहीं हुए, 25 के भी नहीं हुए, उससे पहले ही ब्रह्मचर्य नाश कर रहे हैं, अब इसका क्या समाधान है? इसका समाधान ये है, यदि आप आज से ही ब्रह्मचर्य पालन शुरू कर देते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यदि कोई किसी की हड्डी टूट गई है, यदि उसने आज से उसका इलाज शुरू कर दिया है, उसको टांग को हिलाना डुलाना बंद कर दिया है तो जुड़नी शुरू हो जाएगी, तो आपके अंदर ब्रह्मचर्य के लाभ मिलने आपको शुरू हो जाएंगे, शरीर अपनी शक्ति वहां लगानी शुरू कर देगा। तो इसलिए यदि आप ब्रह्मचर्य नाश कर रहे हैं, आप सोचोगे, आप लड़के क्या सोचते हैं, ब्रह्मचर्य नाश कर रहे थे, ब्रह्मचर्य पालन शुरू किया कि सोचे बस आज से मुझे मेरे में शक्ति आ जाए, ये तो वो हाल कर रहे हैं कि बीज को बो दिया, अब उसको बार बार निकाल कर देख रहे हैं बीज अंकुरित हुआ कि नहीं, बीज अंकुरित हुआ कि नहीं हुआ। भाई थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा धैर्य रखो, बीज बोया है, अंकुरित भी होगा, उसमें पेड़ भी बनेगा, उस पर फूल भी आएंगे, उस पर फल भी आएंगे, थोड़ा धैर्य तो रखो। तो इसलिए ब्रह्मचर्य एक तपस्या है। उसके बाद जो इस तपस्या को करता है उसको इतने तो लाभ मिलते ही मिलते हैं। फिर बात आई जी ब्रह्मचर्य की, मैंने आपको बता दिया कि ब्रह्मचर्य के लाभ कितने दिन बाद मिलते हैं, भाई 16, कम से कम 16 और 25 साल हो, और बढ़िया चाहो तो 48 साल तक लड़के को कहा और 24 साल तक लड़की को ब्रह्मचर्य की बात कही है, जो आजीवन रहना चाहते वो आजीवन रहें। इसके बाद एक और बात आई, क्या मान लीजिए कोई गृहस्थ में चला गया, अब यहां से पता चलेगा भाई, हमने पता चल गया यहां पर कि ब्रह्मचर्य पालन, ब्रह्मचर्य के लाभ कितने दिन बाद मिलते हैं, बात बता दी तुम्हें। अब शरीर में ब्रह्मचर्य रखेंगे तो उसके लाभ बता दिए, क्या क्या लाभ मिलेंगे शरीर में रखने पर। अब बात आई शरीर से बाहर ब्रह्म वीर्य यदि हम धातु निकालते हैं तो उसके क्या लाभ मिलेंगे शरीर से बाहर निकालने पर। शरीर से बाहर कौन निकालता है, जो शादीशुदा है, गृहस्थी है, वो शरीर से बाहर निकालते हैं, उनको क्या लाभ मिलेंगे उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। जब यज्ञोपवीत की बात आएगी, कि बच्चों को गुरुकुल में कब दाखिला करवाएं, गुरुकुल में कब भेजें, कब उसका यज्ञोपवीत करवाएं, कब उसका उपनयन संस्कार करवाएं, तो कहा कि उसमें बच्चे की 8 वर्ष कही, 8 वर्ष में वर्ण के हिसाब से कही, 8वें वर्ष में, 11वें वर्ष में, 12वें वर्ष में, फिर कहा कि आप बच्चे का 5वें वर्ष में भी गुरुकुल में भेज सकते हैं, 6ठे में भी भेज सकते हैं और 8वें वर्ष में भी भेज सकते हैं, इतनी जल्दी भी भेज सकते हैं, कहा तो 8 वर्ष का और कहा 5 वर्ष का, लेकिन कब, ये कब आई। अब कहते हैं परंतु यह बात तब संभव है कि जब बालक की माता और पिता, कब संभव है, जब बालक की माता और पिता का विवाह पूर्ण ब्रह्मचर्य के पश्चात हुआ हुए, उन्हीं के ऐसे उत्तम बालक, यानी कि जो माता पिता ब्रह्मचर्य से संतान पैदा करते हैं, यानी कि जब वीर्य को बाहर निकालते हैं, वीर्य को बाहर निकालेगा समझिए ना, संतान उत्पन्न करने के लिए वीर्यदान, धातु का दान, कहते जब उन्हीं के ऐसे बालक श्रेष्ठ बुद्धि शीघ्र सामर्थ्य बढ़ाने वाले होते हैं, ऐसे उत्तम बालक श्रेष्ठ बुद्धि शीघ्र सामर्थ्य को बढ़ाने वाले होते हैं, तो इसलिए ये क्या होगा, इस जो ब्रह्मचर्य पालन से संतान पैदा करेंगे तो उनकी संतान शीघ्र विद्या बल और व्यवहार की करने वाली बन जाएगी, यानी कि उनकी संतान बहुत योग्य बनेगी, जो वीर्य बाहर निकालेंगे तो उसको संतान बड़ी योग्य बनेगी। लेकिन अगली बात आई, जो गृहस्थी है, जी हम तो अब संतान पैदा करते हैं, हम कितने दिन ब्रह्मचर्य पालन का हमें भरपाई हो जाएगी, मान लीजिए भाई हमें कितने दिन लाभ मिलेगा, कितने दिन बाद लाभ मिलेगा, मान लीजिए संतान पैदा कर ली, फिर कब कितने समय तक ब्रह्मचर्य हो, कम से कम, उसके बारे में ऋषि लिखते हैं, ये भी प्रमाण मैं आपको देता हूं। कहता है जो कोई ब्रह्मचारी होकर पुनः ऋतुगामी पर स्त्री त्यागी, दूसरी स्त्री को त्याग कर दे, एक स्त्री व्रत रखने वाला गर्भ रहे पश्चात 1 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचारी न रहेगा,
वह भी बना बनाया धूल में मिल जाएगा। यानी कम से कम 1 साल ब्रह्मचर्य पालन होना चाहिए, फिर अगली संतान के लिए यत्न करें, उसके लिए गर्भाधान करें। तो इसमें हमारे एक ये बात भी आई है कि यदि आप ब्रह्मचर्य का लाभ आपको 1 साल बाद मिलेगा, ठीक ठीक भरपाई से 1 साल बाद आपकी होगी, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं भाई, ब्रह्मचर्य पालन करो, ये जीवन का सुधार होगा, कुल का सुधार होगा, आपका अगला जन्म तक सुधर जाएगा, और कोई मुश्किल नहीं, थोड़ी सी सावधानी की जरूरत है, कोई मुश्किल नहीं है। तो मैंने आपको ब्रह्मचर्य पालन के लाभ बताए, समझ गए ना, और उसको यदि बाहर निकालते हैं यानी ऋतुदान करते तो उसके भी लाभ बताए, संतान कितनी योग्य बनेगी, और ब्रह्मचर्य का लाभ कितने दिन बाद मिलता है, एक तपस्या है, कम से कम 1 साल तो है, कम से कम कितना है 1 साल बताया जो गृहस्थी उनके लिए, और जिनका विवाह नहीं हुआ वो 25 साल तक बढ़िया ब्रह्मचर्य पालन करें, आगे भी कर सकते हैं, कम से कम 25 साल तो, 25 साल का मतलब क्या है, अब 25 साल तो तुम कर नहीं सकते, तुम तो 16 के 17 के 14 के गलत काम करने लगे, मतलब जब आपकी आयु 25 हो जाए कम से कम उतना तो करो, और ज्यादा आप ब्रह्मचर्य नाश कर रहे हैं तो आयु को थोड़ा और आगे कर लो, 25 से और आगे बढ़ा कर फिर विवाह कर लेना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा हो जाएगा, जितना ब्रह्मचर्य पालन करोगे उतना ही लाभ आपको मिलेगा। फिर भी कोई बात आपको समझ ना आई हो तो कमेंट कर देना, मैं जवाब दूंगा, मैं कमेंट देख लेता हूँ यूट्यूब के, ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं देखता हूँ, और मैं इतना दिखावटी और बनावटी भी नहीं बनता कि मेरे पास इतना समय नहीं, हाँ कुछ समय होता है मैं देख लेता हूँ। और अगली बात है, एक मैं ये भी कहना चाहता हूँ, यदि फिर भी आप यहाँ कुछ ना पूछना चाहो तो 73-570-76-77-8 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, आप यहाँ कर लेंगे, कॉल करेंगे तो ब्रह्मचारी अटेंड करेगा, कोई खास बात होगी तो वो हो सकता है आपकी बात भी करवा दे, क्योंकि फ़ोन बहुत ज़्यादा आने लगते हैं, मेरे पास समय थोड़ा सा निश्चित ही होता है, जिसमें मुझे व्हाट्सअप भी देखना होता है, आपकी कमेंट भी देखनी होती है, तो निश्चित समय होता है, तो फिर भी कोई बात हो तो आप संपर्क कर लें, जल्दी है हम, मैं प्रयास करूँगा कि हाँ बुधवार को भी और रविवार को तो हम डालते ही हैं वीडियो, बुधवार को भी हमारा प्रयास रहेगा क्योंकि उस दिन हमारी छुट्टी रहती है, तो और कोई बात हो तो जरूर संपर्क करें। अच्छा ये कोई दिक्कत हो नहीं, यहाँ ये खिड़कियाँ हैं, कोई पर्दे पर्दे चाहिए, ये चाहिए, तुम तो ठीक जुड़ रहे हो, तुम मुझे जानते हो, हम आपसे जुड़ रहे हैं, ये खिड़कियाँ ये क्या महत्व रखती होंगी, बात होनी चाहिए बढ़िया अच्छी, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए ब्रह्मचर्य पालन पर, डटे रहिए, सामान्य नहीं हो आप, सामान्य नहीं हो, बहुत विशेष हो, ब्रह्मचर्य पालन करने वाला सामान्य नहीं होता है, विरला मनुष्य होता है ब्रह्मचारी, तो भाई विरले हो आप, और विरले ही रहना है, ठीक है, नमस्ते जी।